14 अप्रैल यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने देश को एक खूबसूरत संविधान दिया। अगड़ी पिछली जाति की समानता की बात की, महिला पुरुष को समाज में एक समान रहने के अधिकारों की बात संविधान में की गई। खूबसूरत संविधान के साथ साथ उन्होंने दलित उत्थान की बात, लेकिन क्या वाकई राजस्थान में आज भी दलितों को वो समानता का अधिकार मिल रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के साथ में एक सपना देखा था। इस पर बात करने के लिए सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। सतीश कुमार जी लगातार लंबे समय से दलित उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, आप भीमराव अंबेडकर विचारक भी हैं। सर सतीश जी, क्योंकि आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, देश भर में उनको नमन किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था दलित उत्थान को लेकर, समानता की बात को लेकर, अधिकारों की बात को लेकर, वो साबित होता है आज की तारीख में? आज़ादी के 75 साल बाद हम कहाँ देखते हैं अपने आप को? हाँ देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, और बाबा साहब पहले तो मैं आपको बता दूँ, बाबा साहब पूरा सामाजिक न्याय की स्थापना में विश्वास रखते थे। बाबा साहब ने हर समाज और हर तबके को, चाहे महिलाएं हों, चाहे वीकर सेक्शन हों, चाहे दलित हों, चाहे ट्राइबल हों, चाहे दूसरे कोई कमजोर वर्ग हैं, उन सबको सामाजिक न्याय स्थापना करने का संदेश दिया। और बाबा साहब देखेंगे, बाबा साहब आज पूरे इंडिया के ही नहीं, पूरे भारत के ही नहीं, पूरे जो समूचे विश्व हैं उसके नॉलेज ऑफ सिंबल कहे जाते हैं। नॉलेज ऑफ सिंबल का मतलब है कि उनका जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो विचारधारा थी, वो आज भी और बहुत सारे फॉलोअर आज देखेंगे गांव-गांव में, जो कमज़ोर तबके का है और कमज़ोर तबके के साथ साथ दूसरे तबके के हैं, वो भी बाबा साहब के विचारों को दूर दूर तक इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि बाबा साहब के विचारों में समानता में आधारित हैं, सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित हैं, छुआछूत मुक्त के आधार पर हैं, जाति विहीन के ऊपर आधारित हैं, जो कि सामाजिक न्याय स्थापना करते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम राजस्थान में देखेंगे, बाबा साहब ने बिल्कुल सामाजिक न्याय और छुआछूत की तो बात करी है, छुआछूत के अंत की, और संविधान में भी प्रावधान किए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान में आज भी लगभग प्रति साल 6000 SC/ST एक्ट में मामले दर्ज होते हैं। इसके लिए यह है कि जो एक्ट की जो प्रभावी क्रियान्वित है बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि SC/ST एक्ट का जो नियम 16 है, 16 के तहत जो CM की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति निगरानी समिति है, उसकी बैठक साल में 2 बार होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि जो इसमें जो मैकेनिज्म है SC/ST एक्ट में, जो लगातार जिला लेवल पर भी मॉनिटरिंग विजिलेंस कमेटी है, उनकी मीटिंग भी नहीं होती, और जो केसों की जांच है वो भी बहुत कमज़ोर होती हैं, तो सामाजिक न्याय की स्थापना में अभी बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। अच्छा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के रूप में कानूनी रूप से अधिकार दिए, लेकिन उन कानून रूप जो अधिकार हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का सरकार का है। आपको लगता है कि राजस्थान में सरकारें आई गई, चाहे कांग्रेस की चाहे BJP हो, लेकिन जो अधिकारों की बात होनी चाहिए या जो उस पर त्वरित कार्रवाई की बात होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज भी दिक्कत है? देखिए बिल्कुल है, सरकारों की इसमें इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है, इच्छा शक्ति और प्राथमिकता से रूप से दलित मुद्दों को, और जो कि क्योंकि आप देखेंगे बाड़मेर में कल ही एक हत्या हुई है, पीट पीट के हत्या कर दी, इसी के साथ साथ चित्तौड़गढ़ में अभी हिरासत में मौत हो गई, इसी के साथ साथ पिछले हफ्ते ही रेप करके और जला दी गई, तो आज भी दलितों को उस दृष्टि से और उस एक्ट की जो प्रभावी क्रियान्वित है, उसको जो लागू करने वाली मशीनरी है उसको भी संवेदनशील होकर अक्षर से उसकी लागूकरण करना पड़ेगा, और एक साथ साथ दूसरे समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून के साथ ही छुआछूत और जातिगत भेदभाव दूर नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरा समाज भी आगे आए और मुद्दे पर संवाद स्थापित करके और दलितों को न्याय दिलाकर अत्याचार बंद करे। अच्छा, राजस्थान में अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो किस तरह के आंकड़े क्या बताते हैं, तुलनात्मक अगर हम देखते हैं पिछले सालों में, क्योंकि जितनी जागरूकता की बात की जा रही है, जितने कानूनों की अधिकारों की बात की जा रही है, उसके बावजूद इन आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान है वो सेकेंड एट्रोसिटी प्रो अत्याचार परख राज्य है, और अत्याचार परख राज्य इस मायने है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केस तो वो दर्ज ही नहीं होते, तो केस दर्ज होने के बावजूद भी देखिए जाँच है वो बहुत कमजोर होती है, जाँच भी हो जाती है, और एफआर को चुनौती नहीं दी जाती, और एफआर के चुनौती के साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन है वो भी प्रभावी रूप से पैरवी नहीं कर पाते, इसलिए केसेस में दोषसिद्धि कम है। और ये भी सरकार से एक बहुत ज़रूरी है कि अभियोजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इसमें जो दोषसिद्धि की दर जो लगभग 10% है वो IPC के बराबर 45% आ सके, तो सरकार को और गंभीरता के साथ, प्रायोरिटी के साथ, सूक्ष्मता के साथ कानून की अक्षर से लागू कराना जरूरी है। अच्छा, बाबा साहब क्या बोलते थे कि उनका जो सपना था कि सबकी समानता की बात हो, कोई भी जाति वर्ग से ऊपर उठ के बात हो, अधिकारों के साथ बात हो, हर एक व्यक्ति को अपने का अधिकार होना चाहिए, और बाबा साहब ने उस समय अपने आप को प्रूव किया कि जिस तरह से अगर कोई शिक्षित बनता है तो निश्चित रूप से उसकी काबिलियत आ जाती है। आप किस तरह से देखते हैं कि आज क्या उनके विचारों को अमल बनाने की जरूरत, क्या विचार थे उनके?
बिल्कुल, बाबा साहब ने आप देखेंगे सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को बहुत बड़ा स्थान दिया, क्योंकि कोई भी आंदोलन है वो तब तक, कोई भी सामाजिक न्याय का वो है जो बीड़ा है तब तक सफल नहीं होता जब तक महिलाएं शरीक नहीं हुई। महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार दिए, महिलाओं के साथ साथ जितना भी कमजोर तबका है उनको एजुकेशन से जोड़ा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से कि हम हमारी सामाजिक न्याय, गरिमा, स्वाभिमान और उसको स्थापित कर सकते हैं। यही कारण है कि बाबा साहब ने और जो एजुकेशन का कि भाई कि एजुकेशन जितनी अच्छी को क्वालिटी एजुकेशन की बात करते थे वो सिर्फ इसके साथ साथ आप वो उन्होंने आप देखेंगे कि जितने भी आप रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक का उनका आइडिया था। आप देखेंगे कि तिरंगे में जो शांति का प्रतीक जो चक्र है वो भी उनका आइडिया था। तो बाबा साहब ने पूरा संस्थागत रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना करी जिसमें समेकित विकास की, पूरा भारत विकास की बात करी है और भारत विकास का, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक कि दलितों का विकास नहीं होगा, महिलाओं का नहीं होगा, कमजोर तबकों का नहीं होगा, क्योंकि उन उस विकास में बहुत बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि आज जो सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय कर रहे हैं जैसे कि भुखमरी नहीं होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए, सेफ से शुद्ध पानी मिलना चाहिए और न्याय की सुनिश्चितता, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्याय की सुनिश्चितता में ये है कि हर आदमी को बिल्कुल न्याय तक पहुंच हो और न्याय तक पहुंच के उसको लगे कि बिल्कुल मुझे न्याय मिला है, वो त्वरित न्याय की स्थापना होनी चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह का सपना देखा था, उन्होंने विकास की बात की, समग्र विकास की बात की, पूरे देश को संविधान के रूप में के जरिए एक जोड़ने की बात की और शिक्षा की उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की थी कि जो सुन होने के बावजूद उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। और ये सब चीज़ें आंकड़ों में साफ होता है कि साल दर साल ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत है कि सरकार को इन चीज़ों को लेकर जो कानून बने हुए उन कानूनों की सख्ती से पालना हो। और सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत।